इकोसिस्टम फर्स्ट लॉ जो इसका थर्मोडायनेमिक्स का ये है कि ना तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। हाँ, चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू इन केस ऑफ इकोसिस्टम। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो डिसिपेट हो जाती है एनवायरनमेंट में और सराउंडिंग्स में, डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, फर्दर द इकोसिस्टम इज़ नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ विच स्टेट्स दैट। जो सेकेंड लॉ है उसमें क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होता अनलेस देयर इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, बल्कि एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है नॉन रैंडम फॉर्म से रैंडम फॉर्म में, मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म से नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, द एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ इन रैंडम फॉर्म, नॉन रैंडम फॉर्म दैट इज़ इन ऑर्गेनाइज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल, बट वेन दे जैसे ही डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, नॉन रैंडम एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस ऑर्गेनाइज फॉर्म में टू अ रैंडम फॉर्म बाय द डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स मटीरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एनर्जी भी क्या जो बहुत हाई थी पहले ऑर्गेनाइज फॉर्म में थी, वो धीरे धीरे नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद आता है आपका इंटरकनेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। क्या इंटरकनेक्शन है, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम आर कनेक्टेड इन अ वेरी इंट्रिकेट मैनर एंड एनर्जी फ्लो अकर्स थ्रू दीज इंटरकनेक्शंस। ये जितने सारे आपके एनर्जी फ्लो है ये सम काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन, जैसे कि फूड चेन में, और फूड चेन भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है तो वो फूड वेब बनाती है। ठीक है, तो ये मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरकनेक्शन है जो कि शो करता है ग्रेजिंग फूड चेन से लेके डेट्राइटस फूड चेन की तरह। जैसे कि इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए प्रोड्यूसर को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फिर ये एनर्जी जब प्राइमरी कंज्यूमर इसके लिए रैट होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर रैट को, रैट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, फीडिंग फीड के लिए अपना, ठीक, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर, एंड देन जब ये डेड और डिकिंग मटेरियल है इसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स का यूज होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का इंटरकनेक्शन था ऑर्गेनिज्म का बीच का। देन 10% लॉ, ये जो 10% लॉ है ये दी था रेमन लिडमैन ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑर्गेनिक, जो एनर्जी ऑर्गेनिक फूड से एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक में जाती है उसमें से सिर्फ जो 10% एनर्जी है ऑर्गेनिक मैटर से, जो 10% एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है फ्लैश में, बाकी जो रिमेनिंग है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, रेस्पिरेशन वगैरह में, और इनकम्प्लीट डाइजेशन बाय द हायर ट्रॉफिक लेवल। द 10% लॉ गिव्स अस अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन द साइकिलिंग ऑफ फूड चेन। ये 10% लॉ हमारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे साइकिलिंग होती है फूड चेन में। फर्दर मोर दिस लॉ शोज़ द इनएफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कैप्चर एट एक सक्सेसिव लेवल पे, कुछ कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है और कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, कितनी एनर्जी दोबारा से एटमोसफेयर में चली जाती है वो सारा दिखाया है। जैसे कि आप देखिए प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी फूड चेन में कैसे दिखा है, मान लिया कि 1000 joules ऑफ लाइट एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, जिसमें कि 10 joule एनर्जी अवेलेबल एज अ फूड, 10 खाली 10 joule एनर्जी जो है अवेलेबल है फूड की तरह, और कितनी बची फिर 1000 में से 990 joule एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी एनवायरनमेंट पे। ठीक है, अब ये जो 10 joule एनर्जी है जब हर्बीवोर्स लेंगे इसको तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक मतलब 10% दिखाना है तो खाली 1 joule एनर्जी अवेलेबल होगी एज अ फूड, और बाकी जो बची 9 joule वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। जब इसको कंज्यूमर्स इसके ऊपर डिपेंड करेंगे फूड के लिए, जब कंज्यूमर्स इस एनर्जी के लेते हैं तो उसमें खाली 0.1 joule एनर्जी अवेलेबल होगी फूड की तरह, और बाकी की जो 0.9 joule एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी एनवायरनमेंट में।
ठीक है, अब जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में उसको एक ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे कि इसमें दिखाया, सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स को मिलती है, ठीक है ना। तो एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, कम ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है, इस तरह से करके दिखाया डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे। तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी इज मेनली, कम्युनिटी क्या है, जिसमें पूरा पॉपुलेशन वगैरह होता है, ठीक है, वो बाद में फॉर्म करती है कम्युनिटी, उनका अपना एक स्पेस है, ठीक है, हैबिटेट होती है, स्पेस होती है, अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद देयर अदर ऑर्गेनिज्म। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या दिखाते हैं कि कैसा फीडिंग रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, विच इज़ मेनली बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन और फूड, किस तरह का फूड है ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई, इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है फूड चेन में, जिसको कि हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक ऑक्यूपाई कर सकता है। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड एनर्जी के लिए, जो ऑर्गेनिज्म है अपने से लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करेगा जब उसको एनर्जी की डिमांड होगी। स्टैंडिंग क्रॉप, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल और पर्टिकुलर टाइम। हर जो ट्रॉफिक लेवल में जितना भी लिविंग मटीरियल है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। इट इज़ ये कैसे मेज़र करा जाता है, कितना उस ऑर्गेनिज्म का बायोमास है, ठीक है, बायोमास में सारी चीज़ें आ जाती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर और जो डेड बॉडी है वो सारी चीज़ें, पूरा जो उसका मेज़र होता है वो बायोमास के अंदर आता है। एंड देयर नंबर इन अ यूनिट एरिया, और कितना उनका नंबर है इस पर्टिकुलर एरिया में। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनी कैलकुलेशन इन एनर्जी कंटेंट बायोमास नंबर हैज़ बीन, हमें किसी का भी एनर्जी कंटेंट पता करना है, बायोमास पता करना है, उसके नंबर पता करने हैं, तो हम डिफरेंट उसको एक पिरामिड ऑफ एनर्जी के बेसिस पे बनाएंगे और उसके एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होगा। लास्ट में जो कंक्लूजन है, इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जिसमें कि एनर्जी फ्लो करती है एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में पीएच हो गया आपका, है ना, ये सारी चीज़ें, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट। तो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम हमेशा ही एक ही तरफ होगी, इसलिए यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल लिखा है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल ना होके ये एक ही तरफ होगी, तो इसीलिए एक ही लाइन में जाएगी, ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ नेवर डिस्ट्रॉय, ना तो डिस्ट्रॉय होगी लेकिन कन्वर्ट हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ पास टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, सिर्फ 10% एनर्जी पास होगी जो हमारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में है। सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, और फिर ये एनर्जी अवेलेबल होती है हायर ट्रॉफिक लेवल्स के एनिमल्स के लिए। इफ़ एनी ऑफ द लिंक, अगर कोई भी एक भी लिंक इसमें इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन है उसको रिमूव कर देंगे तो एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एनर्जी कॉन्सेप्ट और एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है हमारा।